Hello everyone, so I'm gonna start a party makeup with you guys. So firstly I'm gonna clean my face by using the facial wipes, and next I'm gonna apply the MAC Prep and Prime Fix Plus in gold light. After that I'm gonna apply a strobe cream which जो मुझे लाइक अभी नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर बहुत मुश्किल से ढूंढ के अपनी स्ट्रोक क्रीम को ढूंढा, निकाला और फिर लगाया. मैक की स्ट्रोक क्रीम लाइक जितने भी मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स हैं उनमें सबसे ही कोई जो अच्छी, अगर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जो रियल स्ट्रोक क्रीम है वो मैक में ही आता है. जो स्ट्रॉबिंग इफेक्ट होता है वो हमें मैक कॉस्मेटिक में ही मिलता है, और मैंने ब्रांड्स के ट्राई किए हैं बट मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उनसे कभी भी नहीं. सो मैक कॉस्मेटिक तो ऑलवेज मतलब सुपर, माय फेवरेट, कोई पूछे मेरे से फेवरेट ब्रांड तो मैक ही है. सो नाउ आई एम गोना अप्लाई अ फाउंडेशन ऑन माय फेस. सो आई एम हियर यूजिंग अ बॉर्न दिस वे टू फेस फाउंडेशन. लाइक जो ये आप देख रहे होंगे फाउंडेशन, मेरे स्किन टोन से थोड़ा डार्क है, थोड़ा क्या दो तीन टोन डार्क है, बट मैं हमेशा फाउंडेशन हमेशा मैं डार्क ही यूज़ करता हूँ ताकि जो मेरे को कैरेक्टर कंसीलर की नीड ना पड़े और जो भी मेरे फेस पे थोड़ी हल्के फुल्के पिगमेंटेशन है, निशान है, वो सब अच्छे से कंसील हो जाए और कंसील भी हो जाए, न्यूट्रलाइज भी हो जाए, क्योंकि थोड़ा येलो टोन में है ये अच्छे से. सो उसके बाद मैंने अप्लाई किया है थोड़ा सा मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन इन शेड ऑफ NC25 जस्ट ऑन माय लिटिल बिट ऑन माय हाइलाइटिंग पॉइंट. नाउ आई एम गोना अप्लाई कंसीलर फ्रॉम इट्स फ्रॉम टार्ट शेप टेप शेड. आई थिंक इसका फेयर है, सो दिस विल गिव अ नाइस लुक ऑन माय हाइलाइटिंग पॉइंट. सो ऐसे अच्छे से फेस हाईलाइट हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं. सो आई एम गोना हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, ब्लेंडिंग 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 इज द की इन द मेकअप. सो लाइक हाईलाइटिंग के बाद मैं अपना फेस को सेट करने जा रहा हूँ बाय द यूजिंग मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर फाउंडेशन इन द शेड ऑफ NC25. अच्छे से सेट करूँगा अपने हाईलाइटिंग पॉइंट को. इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ अपने फेस पे ब्रॉन्जिंग बाय यूजिंग द ब्राउन आई शेडो. ब्रॉन्जर मेरा नहीं मिला था तो लाइक मैंने ब्राउन आई शेडो से ही को ही यूज़ कर लिया ब्रॉन्जिंग के लिए. लाइक सेम ही इफेक्ट आता है. आपको काम करना आना चाहिए, आप किसी भी प्रोडक्ट से कुछ भी कर सकते हो मेकअप में, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अभी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ मैक का पीचे क्वीन ब्लश. लाइक ब्लशिंग मेरा फेवरेट पार्ट है. आप सोचोगे मैंने नाक पे ब्लश लगा लिया, लाइक अगर हम नोज़ पे अपनी ब्लश लगाते हैं तो वो थोड़ा सा कोरियन इफेक्ट देता है, क्योंकि ऐसा लगता है मैं अंडरटोन पिंक पिंक है तो वो अच्छा लगता है, लाइक मुझे कोरियन की तरह दिखना अच्छा लगता है. तो अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट कॉम्ब कर रहा हूँ अपने फेशियल हेयर्स को, आईब्रोज़ को, मस्टेक वगैरह, बियर्ड को, ताकि जो भी पाउडर वगैरह फाउंडेशन में घुस गया वो निकल जाए. आईब्रो में मैं कोई स्मार्ट या एडवांस करेक्शन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल मैंने कॉम्ब किया है आईब्रोज़ को और कुछ नहीं. अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक पीची शेड फ्रॉम हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड रीमास्टर्ड जस्ट आइज़, क्योंकि मेकअप किया है तो आइज़ बहुत डाउन लग रही थी, तो इसीलिए ताकि मेरा जो लुक है वो वॉश ऑफ ना लगे, तो हल्का सा मैंने पीची शेड अप्लाई किया है. इसके बाद मैं अप्लाई करूँगा हल्का सा शिमर अपनी आईलिड पे इनर कॉर्नर से सेंटर तक. फिंगर से अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई ज़्यादा अच्छा खासा कवरेज नहीं चाहिए, बस लाइट से एक शीन चाहिए मुझे. सो उसके बाद ब्रश जितना भी अप्लाई किया था ब्रश से वो पूरा ब्लेंड कर दिया मैंने. लोअर लाइन पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन शेड अप्लाई किया है, नीचे आई बैग वाले एरिया को थोड़ा सा डिफाइन किया है, क्योंकि बॉयज़ के ये डिफाइन अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने काजल वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई शेडो ही अप्लाई किया है, वो भी बहुत लाइट लाइट शेड्स. अब इसके बाद मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ मैक का मस्कारा विच इज़ मैक स्टैक. अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था ये लास्ट ईयर और मैंने दिवाली के टाइम पे लिया था. लाइक ये मेरा फेवरेट मस्कारा है टिल दी डेट, जितने भी हैं मेरे पास अब तक मैंने यूज़ किए हैं, मेरे को मैक स्टैक सबसे ज़्यादा पसंद है. लाइक एक दो ब्रशेज से ही आपका पूरा लैश कवर हो जाता है, एक अच्छा खासा आपको वॉल्यूमाइजिंग लुक मिल जाता है. सो यस, मैं लिपस्टिक लगाते हुए लिप्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ स्विस ब्यूटी का लिप शेड है. ये मैट लिपस्टिक है, काफ़ी प्यारा सा न्यूट शेड है. लाइक मुझे अपने लिप्स पे पर्सनली नहीं पसंद है ज़्यादा डार्क शेड्स, तो मैं हमेशा न्यूट शेड ही अप्लाई करता हूँ, न्यूट शेड ही यूज़ करता हूँ अपने फेस पे. अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइटर. अगेन हाइलाइटर मैं भर भर के करता हूँ क्योंकि मेरे को चमकना अलग ही पसंद है, बहुत पसंद है. थोड़ा सा लिप्स पे मैंने हाइलाइटर लगाया है गाइज,
सो ये है मेरा फाइनल लुक। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इतराते हुए अपने मेकअप का फ्लॉन्ट करते हुए, और ये देखिए मेरी डोगो में ना मेरे को पहचान ही नहीं पा रही कि कौन आ गया है।